ठाणे लाहौर न्यूज बन गया लोरियां दी जाने लोरियां दी जान लोरियां दी जान लाहौर न्यूज लोरियां दी जाने लाहौर शहर तां सजदा वैन लाहौर न्यूज गिव द न्यूज लाहौर शहर तां सजदा वैन लाहौर न्यूज गिव द न्यूज लाहौर शहर तां सजदा पक्कियां रिपोर्टां इत्थे शो नी ऐ नुक्खे इत्थे लाहौर नां दी यारो पूरा लाहौर जगदा बटन नेट पर किथे पक्कियां रिपोर्टां इत्थे लाहौर नूं ऐ यारो पूरा लाहौर थकदा सहाफत जिम्मेदाराना पजीराई वालेहाना कवरेज जानदार पेशकश शानदार लाहौर न्यूज आला मिसाल कामयाबी के दो साल ताबा माजी दरख्शां हाल इंशाल्लाह ताबनाक मुस्तकबिल की चाल तारीफ के बोल तगड़े ढोल की थाप पर भंगड़े गली गली शादमानी लाहौर न्यूज की तर्जुमानी खिदमत लगन मेहनत ते मुसलसल शहर में तकरीबात की हलचल मुबारकबादें तारीफ बयानात केक काटने की तकरीबात हर दिल अजीज चैनल लाहौर न्यूज अहले लाहौर का इश्क बन गया। लाहौर न्यूज है इस शहर का सबसे बड़ा और वाहिद एचडी न्यूज चैनल जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और तेज तरीन रिपोर्टिंग नेटवर्क के जरिए पहुंचा रहा है आप तक तमाम वाकयात की मुकम्मल तफसीलात ताकि आप रहें शहर भर के हालात से हर लम्हा बाखबर तो लाहौर से जुड़ी हर खबर देखिए सबसे पहले सिर्फ लाहौर न्यूज पर लाहौर न्यूज लाहौर की दुनिया कामयाबियों का तसलसल दो साल की जहद मुसलसल शहर का कोना कोना लाहौर न्यूज के कैमरे का निशाना दुनिया मीडिया ग्रुप के बैनर तले लाहौर न्यूज सबसे आगे चले जदीद तरीन नेटवर्क प्रोफेशनल टीम खबरों की आला स्कीम बेबस और मजलूमों की आवाज समेटे कई एहसास मुस्बत सहाफत की खुशबू बिखेरने का अमल जारी रहेगा लाहौर न्यूज को दूसरी सालगिरह पे मुबारकबाद पेश करता हूँ मियाँ आमिर महमूद साहब और लाहौर न्यूज़ की पूरी टीम जो है मुबारक की भी मुस्तहिक है मैं तो वैसे लाहौर न्यूज़ से बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा ख्याल है एक बड़ा इम्पार्शल और एक बड़ा बैलेंस्ड नुकता नज़र दिखाते हैं और इसी तरह दिखाते रहें और मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपको दूसरी सालगिरह मुबारक हो लाहौर न्यूज़ की सालगिरह पर मैं लाहौर न्यूज़ को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अक्सर लाहौर न्यूज़ पे मैं लोगों के मसाइल को देखता हूँ और उसको हल करने की कोशिश करता हूँ गवर्नर पंजाब की लाहौर न्यूज की पूरी टीम को सालगिरह पर मुबारकबाद ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज भी लाहौर न्यूज की आला कारकर्दगी के मोतरफ मुबारकबाद दी हमजा शहबाज का कहना है कि लाहौर न्यूज ने लोगों के मसाइल को उजागर किया लाहौर न्यूज को देखकर मसाइल हल करने की कोशिश करता हूँ डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि लाहौर न्यूज ने हमेशा मुस्बत रिपोर्टिंग की पहले तो मैं पूरी जो टीम है लाहौर न्यूज़ की उसको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ आपकी मैनेजमेंट को और जितने लोग वहाँ पे काम करते हैं और जिस शोबे से भी काम करते हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद मेरे ख्याल में लाहौर न्यूज़ एक बहुत अच्छा इजाफा है एक ऐसी लोकल ख़बरों के लिए जो हम सबको चाहिए होती हैं आपकी जो ख़बरें हैं उससे हमें रहनुमाई भी मिलती हैं हमें उन प्रॉब्लम्स का पता भी लगता है सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान के ऑफिस में केक काटने की तकरीब लाहौर न्यूज़ सहाफत में एक अच्छा इजाफा है हमें लाहौर न्यूज़ के जरिए लोगों के मसाइल का इल्म होता है उम्मीद है ये रवायत कायम रखेगा अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू तकरीब में शेख सदीकी आजासिम शरीफ और दीगर रहनुमा भी मौजूद जंगल में मंगल सबने ये शोर मचाया है न्यूज़ का सालगिरह का दिन आया है जंगल में मंगल सबने ये शोर मचाया है सालगिरह का दिन आया क्या खिलाया लाहौर न्यूज की सालगिरह पर शहर भर में जश्न का समा मेयर ऑफिस में केक काटने की तकरीब लॉर्ड मेयर ने डिप्टी मेयर्स के साथ मिलकर सालगिरह का केक काटा लाहौर न्यूज को मुबारकबाद लाहौर न्यूज ने हमेशा हकीकत दिखाई
शहर की तमाम अच्छी खबरें दिखाने का क्रेडिट लाहौर न्यूज को जाता है। मेयर की गुफ्तगू, लाहौर लाहौर है, लाहौर न्यूज है। डिप्टी मेयर मियां तारिक, डिप्टी कमिश्नर सालिया सईद ने भी सालगिरह का केक काटा, लाहौर न्यूज को मुबारकबाद दी। लाहौर न्यूज अहम इश्यूज की निशानदेही के साथ रहनुमाई भी करता है। डिप्टी कमिश्नर, मॉडल टाउन सेंट्रल पार्क में लाहौर न्यूज की सालगिरह पर केक काटने की तकरीब, मॉडल टाउन सोसाइटी के सदर साहबजादा सैफुर रहमान की खसूसी शिरकत। बोले कि लाहौर न्यूज ने 2 साल के कम अरसे में सहाफत के मैदान में बहुत नाम बना लिया है, हमेशा आवाम के मसाइल उजागर किए, मजलूमों की आवाज बना है। लाहौर न्यूज के दूसरी सालगिरह पे पूरे लाहौरियों को और लाहौर न्यूज के जितने भी नुमाइंदगान हैं उनको जो मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरा जो लाहौर न्यूज़ है, लाहौर न्यूज़ के तफसत से पूरे लाहौर की जो मसाइल हैं वो उजागर हुए। लाहौर न्यूज़ की हर जगह पजीराई, जश्न, मुबारकबाद। एडवोकेट जनरल पंजाब के ऑफिस में भी केक काटा गया। अहमद अवैस रजा की मुबारकबाद, रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच की रिहाइश गाह पर तकरीब, सालगिरह का केक काटा, 2 बकरों का सदका भी दिया। सूबाई वजीर औकाफ भी लाहौर न्यूज की खुशियों में शामिल। पीर सैयद सईदुल हसन ने सालगिरह का केक काटा, मुबारकबाद दी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में तकरीब, वाइस चांसलर यूएचएस प्रोफेसर जावेद अक्रम ने केक काटा। पीएचएसी बीए यूनियन की जानिब से भी लाहौर न्यूज की सालगिरह पर केक काटने की तकरीब, पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन के ज़ेर-ए-एहतमाम भी तकरीब, ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। नई हुकूमत, पुराना प्रोटोकॉल, सदर और वजीर आजम के प्रोटोकॉल के लिए गाड़ियों में इजाफा। एलडीए की 2 लग्जरी गाड़ियां कैबिनेट डिवीजन के प्रोटोकॉल को दे दी गई। हमजा शहबाज ने बैरून मुल्क रवानगी से मुतालिक हाईकोर्ट को आगाह कर दिया। हमजा शहबाज की 3 फरवरी को लंदन रवानगी, 12 फरवरी को वापसी। हमजा शहबाज के वकील आजम तारड़ ने शेड्यूल अदालत में पेश कर दिया। जस्टिस फरूख इरफान ने हमजा शहबाज को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। पैरागोन स्कैंडल में ख्वाजा बरादरान की मुश्किलात में इजाफा। नैब ने ख्वाजा बरादरान का मजीद जिस्मानी रिमांड लेने का फैसला कर लिया। नैब ख्वाजा बरादरान के जिस्मानी रिमांड में 15 रोज की तौसी की इस्तदा करेगा। मेडिकल बोर्ड की नवाज शरीफ को अस्पताल मुंतकिल करने की सिफारिश। कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ आरज़े कल्ब और दीगर बीमारियों में मुब्तला हैं। 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने साबिक वज़ीर आज़म की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट महकमा दाखला को भिजवा दी। फिजियोथेरेपी एसोसिएशन के महकमे सेहत के साथ मुज़ाकरात कामयाब। फिजियोथेरेपिस्ट ने सेक्रेटेरिएट चौक में धरना खत्म कर दिया। महकमे सेहत की मुतालबात की मंजूरी के लिए 2 रोज का वक्त मांग लिया। सानिहा साहिवाल की तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन का मुतालबा। मकतूल खलील के भाई जलील की दरखास्त हाईकोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट पर मुश्तमिल 2 रुकनी खसूसी बेंच 4 फरवरी को समाअत करेगा। वजारत सन्नत और तिजारत का अहम इकदाम, पंजाब की इंडस्ट्री में महकमों के इंस्पेक्टर्स की मुदाखलत रोकने का फैसला। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने इकदाम का ऐलान कर दिया। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज नदीम रहमान की सरबराही में कमेटी भी कायम कर दी गयी। अब गैर कानूनी इमारतों की निशानदही मोटरसाइकिल स्क्वाड भी करेगा। एलडीए ने पहला बिल्डिंग कंट्रोल विजिलेंस स्क्वाड तश्कील दे दिया। स्पेशल फोर्स को गैर कानूनी तामीरात की निशानदही का टास्क सौंप दिया गया। शफीकाबाद अमीन पार्क में स्नोकर क्लब में हंगामा राई, हवाई फायरिंग, इलाका गोलियों की थरथराहट से गूंज उठा। इलाके में खौफ और हिरास, पुलिस खामोश तमाशाई। सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज पर।
سابق اٹارنی جنرل اشتر اصاف کی صاحبزادی کی نماز جنازہ گلبرگ میں ادا، چیف جسٹس سپریم کورٹ آصف سعید کھوسا، جسٹس شیخ عظمت سعید، چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار شمیم خان، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار سمیت ججز اور وکلا کی شرکت، ایم این اے پرویز ملک، ایاز صادق سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات بھی شریک، مرحومہ کے اصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی۔ اور معافی کے بعد پابندی کیوں لگائی، کپتان سرفراز احمد کی حمایت میں پی سی بی میدان میں، کرکٹ بورڈ کا معاملہ آئی سی سی کے اجلاس میں اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔